दोस्तों नमस्कार, आपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, कब किसके जीवन में कौन फरिश्ता बन के आ जाए यह कोई नहीं जानता, किसके भाग्य में सितारों के तरह चमकना लिखा है ये भी कोई नहीं जानता, किसका नसीब कब पलटी मार दे उसे राजा से रंक एंड रंक से राजा बना दे ये भी कोई नहीं जानता, किस बिजनेस से, किस कंपनी से, किस ऑर्गेनाइजेशन से, किस प्रोफेशन से कब किसके भाग्य रूठेंगे या जागेंगे ये भी कोई नहीं जानता। इस बात को हम करीब 14 लाख फाउंडर्स भी नहीं जानते थे। अगर जानते होते कि ऑन पैसिव नाम की एक आईटी कंपनी आने वाली है जो मौका देगी लोगों को इसके संस्थापक सदस्य बनने का, और एक समय सीमा के अंदर जितने लोग भी इससे जुड़ जाएंगे वे एक दिन दुनिया में सबसे टॉप पे होंगे, तो शायद ऑन पैसिव को ज्वाइन होने से पहले कई कंपनियों को हम नहीं आजमाए होते, इंतजार किए होते ऑन पैसिव के आने का। हम फाइनेंशियली फ्री हो सके, हमारे सभी सपने पूरे हो सके, इसी को ढूंढते ढूंढते हमने कई कंपनियों को ज्वाइन किया कि शायद यहां तलाश हमारे पूरे हो जाए। बट तलाश पूरे होने तो बहुत दूर की बातें हैं, कई जगह हमारे घर के पैसों का भी नुकसान हो गया। हाल वही हो गया, गए थे अमीर बनने का सपना लेकर और भी अधिक गरीब बन के आ गए। इसी तलाश में हमने ऑन पैसिव को भी ज्वाइन किया। उस वक्त भी हमें किसी ज्योतिषाचार्य ने नहीं बताया था कि जो चीजें आप ढूंढ रहे हो, जिन चीजों की तलाश से आपको, वह इसी बिजनेस में पूरा होगा। बाकी कंपनियों के तरह ही सोचकर हमने इसे भी ज्वाइन किया था कि देखते हैं, यहां कुछ हो गया तब तो अच्छी बात है, कुछ नहीं भी हुआ तो क्या बिगड़ जाएगा। अब तो आदत सी हो गई है लॉस बर्दाश्त करने की एंड समस्याओं से लड़ने की, यह भी बर्दाश्त कर लेंगे। दोस्त, आज भले कोई भी लीडर्स या फाउंडर्स कहे कि हम 100% आश्वस्त थे कि यही वह बिजनेस है जिससे हमारे लाइफ चेंज होने हैं, हमारे सपने पूरे होने हैं, तो शायद यह बहुत सही बात नहीं होगा, क्योंकि कंफ्यूजन असमंजस लगभग सभी के मन में थे कि पता नहीं क्या होगा। 100% उस वक्त भरोसा किसी को भी नहीं थे, बस एक आशा और उम्मीद पर हमने $100 के रिस्क लिए। अगर 100% उस वक्त हमें भरोसा होता मिलने वाले अचीवमेंट पर, तो आज फाउंडर मेंबर्स की संख्या करोड़ों में होती पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि तब हम सीना ठोक कर गारंटी देते किसी को, कोई भी हमारे गारंटी देने की वजह से बड़े आराम से ले लेता फाउंडर पोजीशन को। लेकिन कहा गया है, जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। आज अगर फाउंडर्स की संख्या करोड़ों में होते तो शायद वह वैल्यू कभी नहीं मिलता फाउंडर्स को जो मिलने जा रहा है। आखिर ऊपर वाले की कृपा से हमने अपनी तलाश पूरे कर लिए। दोस्त, किस्मत तो हमारे इससे चमकने थे तो बाकी जगह हम हाथ पैर चला के करते भी क्या। प्रयास तो हमने बहुत किए जीवन में, लेकिन सफलता कहीं नहीं मिली। सफलता मिलते भी कहां से, वो तो मिलना यहां फिक्स था ऑन पैसिव में आके। दोस्त, यह जरूरी नहीं है कि जो लगातार हारते आया है वह हर बार हारता ही रहेगा, कभी तो जीतेगा वह अगर कोशिश करना नहीं छोड़े। बिल्कुल कुछ इसी तरह से हुआ है हम सभी फाउंडर्स के साथ। बार बार हारने के बावजूद भी हमने जीतने की उम्मीद नहीं छोड़े। शायद यहां कामयाबी मिल जाए हमें, शायद यहां हम सफल हो जाएं, हो सकता है यही हमारी जीत पक्की हो। इसी उम्मीद में ना जाने हमने कितने कंपनियों को पकड़ा और छोड़ा। इसी दरमियान ऑन पैसिव मिला, सोचिए इसे भी आजमा लेते हैं। उस वक्त कहां पता था कि यह हमारी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन होगा, या जो फाउंडर पोजिशन लेकर भी 10-10 घंटे 12-12 घंटे हार्डवर्क कर रहे हैं फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, लेने को भले वे किसी मित्र या बंधु के कहने से ले लिए फाउंडर पोजीशन, मगर ये कहां उन्हें पता था कि जो मात्र $100 दे के ज्वाइन कर रहा हूं बिजनेस, एक दिन यही पूरी तरह से बदल के रख देगा हमारी जिंदगी को। आज मैं खुद सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, ऑफिस बॉय या लेबर के काम करके गुजर बसर कर रहा हूं, एक दिन मैं इसी बिजनेस से खुद अपने लिए सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, ऑफिस बॉय रखने वाला बन जाऊंगा। सफलता के लिहाज से अपने फैक्ट्री कंपनी के ऑनर से भी आगे निकल जाऊंगा। दोस्त, वैसे दबे कुचले लोग भी जो मरने के दिन तक शायद संघर्ष कर रहे होते सिर्फ दाल रोटी चलाने के लिए, वे भी एक राजा की तरह जिंदगी जीने वाले हैं सिर्फ ऑन पैसिव के फाउंडर पोजीशन लेकर। कैसे कैसे लोगों के जिंदगी बदलने वाला है ऑन पैसिव सोचकर आश्चर्य होता है। जिनके आज ढंग के बाइक पर भी चलने का औकात नहीं है, जब वे फॉर्चूनर से, BMW से, ऑडी और मर्सिडीज से चलेंगे, सोचिए कैसा लगेगा। जिनके पास रहने के लिए ढंग के घर नहीं है, उनके पास आलीशान महल होगा, सोचिए कैसा लगेगा। जिनके पास पहनने को ढंग के कपड़े तक नहीं है, वे सैकड़ों जरूरतमंद को ब्रांडेड कपड़े गिफ्ट करेंगे, सोचिए कैसा लगेगा। जो आज तक सभी के नजरों में एक फेलियर इंसान रहा है, उसे बहुत बड़ी कामयाबी मिलने के बाद सोचिए कैसा लगेगा। जो आज चंद पैसों के लिए दूसरों के जी हुजूरी करता है, कल उसकी एक झलक पाने को लोग तरसेंगे, सोचिए कैसा लगेगा। जिसे खुद घर परिवार वाले भी निकम्मा समझ चुके हैं, वह देश दुनिया में नाम कर जाएगा, सोचिए कैसा लगेगा। बहुत कुछ बदलने जा रहा है दोस्त, एक एक फाउंडर्स अचानक से प्रसिद्धि पाने वाले हैं, सोचिए कैसा लगेगा। जिस माता पिता को, भाई बहन को, पूरे फैमिली को
एक एक पैसों के लिए मोहताज होते देखा है, एक एक चीजों के लिए तरसते देखा है। जब उनके च्वाइस के सारे चीज मिलेंगे उन्हें, सोचिए कैसा लगेगा। ईश्वरीय कृपा है कि चाहे जैसे भी हो, हम समय रहते इस बिजनेस में आ गए। सबसे बड़ी सफलता हमारी यही है कि हम फाउंडर मेंबर्स हैं इसके। इस पोजीशन में इतना पावर है दोस्त कि एक एक फाउंडर्स बहुत जल्दी आसमान की बुलंदियों को छूने वाले हैं। उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।